हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से मार रह गया है। डिफरेंस पढ़ते हैं एक बार दोबारा से। कल तो पढ़ाई था, थोड़ा रिव्यू हो जाएगा। बीन और मेज में डिफरेंस क्या क्या है? बीन सीड और मेज सीड में क्या क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो ये डाइकोटिलेडंस होता है, यानी इसके अंदर दो कोटिलेडंस होते हैं। ये मोनो होता है, तो इसके अंदर एक ही होता है। इसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, इसके अंदर बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर सब बड़ा एम्ब्रियो होता है, इसके अंदर एम्ब्रियो छोटा होता है। यहाँ पर इसके प्रोमोल लीफ होते हैं, वो फोल्डेड होते हैं। यहाँ पर रोल्ड होते हैं। यहाँ पर प्रोमोल लार्ज होते हैं, यहाँ पर स्मॉल होते हैं। यहाँ पर हीलियम और मैक्रोपाइल विजुअल होते हैं। आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं देख सकते हैं, नॉट विजिबल है ना। सीड सेपरेटली कंटेन इन द फ्रूट कॉल्ड पोड। द सीड वॉल एंड द फ्रूट वॉल फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल ग्रेन विद न्यू सेपरेट शेड। यहाँ पे एक सेपरेट शेड बनता है, जो कहाँ पर रखा होता है? पॉड के अंदर। लेकिन यहाँ पर कोई सेपरेट सीड नहीं बनता, ये सिंगल ग्रेन के अंदर ही रह जाते हैं, सिंगल ग्रेन के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये कल हमने कुछ पढ़ा था। अब हम आते हैं आगे। प्रोग्रेस चेक आपको तक लगेगी, एक बार पढ़ लेना। मैं एक बार देख लूँ कुछ सही गलत तो नहीं है। ठीक है, जर्मिनेशन प्रॉपर लैंग्वेज में प्रॉपर टॉपिक को पढ़ते हैं। जर्मिनेशन सीड का बेसिकली ग्रो होना, ये इसका रफ मीनिंग होता है, सीड का ग्रो होना है ना। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द सीड बेसिकली, सीड भी जब ग्रो नहीं होता, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो ग्रो होता है। हमने देख कल समझा भी था, तो लिखा हुआ है द सीड कंटेन्स एन डोरमेंट एम्ब्रियो। सीड के अंदर एक इनएक्टिव एम्ब्रियो होता है। इन अ ड्राई सीड, इन अ ड्राई सीड जब सीड सूखा होता है, द एम्ब्रियो इज इनएक्टिव। और सीड क्या होता है, वहाँ पे इनएक्टिव होता है। इट इज सेट टू बी इन ए स्टेट ऑफ डोरमेंसी। इसको कहा जाता है कि वो डोरमेंसी की स्टेट पर है। डोरमेंसी मतलब वो एकदम फालतू बैठा हुआ है, एकदम रेस्ट कर रहा है। आउटवर्डली इट अपीयर्स टू बी विदाउट लाइफ। बाहर से तो ऐसा लगता है कि किसी को लाइफ है नहीं, बट इन फैक्ट ऑल द केमिकल एक्टिविटी ऑफ लाइफ आर गोइंग ऑन इन इट। लेकिन जितनी भी केमिकल एक्टिविटी, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, वो सारी के सारी इसी एम्ब्रियो के अंदर हो रही होती हैं। सीड में कुछ नहीं होता, इस एम्ब्रियो के अंदर ही होता है। ऑल दो दे आर वेरी स्लो, बेशक वो चेंजेस जो हो रहे हैं, वो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो जो केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो काफ़ी स्लो हैं। ए लिटिल फूड इज यूटिलाइज, और बहुत कम फूड वो कम यूज करते रहते हैं। द ड्राई सीड्स, द ड्राई सीड्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो सीड्स, जो ड्राई सीड्स होते हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लीव करते हैं। ठीक है, बोथ इन एक्सट्रीमली माइन्यूट माइन्यूट क्वांटिटी, यानी दोनों बहुत कम कम, दोनों बहुत कम कम। एंड द रिलीज सम हीट एज वेल, और जो हीट में रिलीज करते हैं, ये हीट में रिलीज करते हैं। व्हेन प्लेस्ड अंडर अंडर प्रॉपर कंडीशंस, व्हेन प्लेस्ड अंडर, रुको मैं गेट लगा दूंगा।
व्हेन प्लेस्ड अंडर प्रॉपर कंडीशन, मतलब जब एम्ब्रियो को प्रॉपर कंडीशन में रखा जाता है, डोरमेंट एम्ब्रियो अवेकन्स, एम्ब्रियो जो है एक्टिव हो जाता है, इट बिकम्स एक्टिव एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ सीडलिंग। एक सीडलिंग में चेंज होने लगता है, ग्रो होने लगता है। ऑल द चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी जर्मिनेशन क्या है बेसिकली? चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होता है फॉर्मेशन किस चीज का, सीडलिंग का, ठीक है। तो सारे चेंजेस को मिलाकर, ऑल द चेंजेस, तो इन सारे चेंजेस को मिलाकर ऑल द चेंजेस कलेक्टिवली नोन एज जर्मिनेशन। इन सारे चेंजेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन हो रहा है। जर्मिनेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस है, सीडलिंग को फॉर्म करने की, फ्रॉम द एम्ब्रियो, है ना, ये याद कर लेना। रिकॉर्डिंग हो रही है, अ फ्रेश सीड फ्रॉम अ प्लांट नॉर्मली डज नॉट जर्मिनेट इवन इफ द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन आर फेवरेबल। वो कह रहे हैं फ्रेश सीड जो भी होता है ना, वो भी एक प्लांट का नॉर्मली जर्मिनेट नहीं होता, बेसिक जर्मिनेशन की कंडीशन जो हो फेवरेबल क्यों ना हो। तो क्या कह रहा है, इट मस्ट पास थ्रू अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी हो, यानी इसको कुछ टाइम के लिए तो रेस्ट करना ही पड़ेगा, ड्यूरिंग विच इट अंडरगो साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा साइकोलॉजिकल थोड़ा प्रिपेयर होता है, ठीक है। ठीक है, अब बात बार बार हुई कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, कौन कौन सी कंडीशंस हैं इसके लिए जर्मिनेशन के। बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है, जो आपको पता है, स्टम्प्स नहीं है, चीज़ आपको पता है। वही फैक्टर्स की बात कर रहा है कि जर्मिनेशन के लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी हैं। तो क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं किसी भी सीड को ग्रो करने के, किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए? वाटर, सूटेबल टेम्परेचर और एयर, बस ये तीन चीज़ें आपको पता ही है पहले, ठीक है। तो वाटर पहले पढ़ते हैं, वाटर कैसे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सीड ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, जो सीड को पानी मिलता है वो अपने एनवायरनमेंट से मिलता है, बेसिकली सॉइल से मिलता है। द वाटर एब्जॉर्ब ऑल ओवर द सरफेस बट मेनली थ्रू मैक्रोफेज, जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो मेनली कहाँ से होता है, मैक्रोफेज। इस पानी के दो यूजेस हैं, पानी के दो क्या है मेन यूजेस हैं, पहला, ठीक है, पहला सीड स्वेल्स एंड कंसिक्वेंटली द सीड कुड रप्चर्स अलाउइंग द एलोमिनेटिंग रेडिकल टू कम आउट एंड फॉर्म द रूट सिस्टम। पहले तो ये क्या करता है, वाटर को स्वेल कर लेता है, ठीक है। फिर बाद में एक क्या होता है, ये अपने आप को ग्रो करता है ताकि जो रेडिकल हैं वो बाहर आ जाए, और रूट सिस्टम फॉर्म हो जाए उस सीड के अंदर, है ना। तो दूसरा कह रहा है वाटर इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन द फूड स्टोर्ड इन द cotyledons and endosperms so that it may convert into a diffusible form that can be utilized for growing embryo. फिर दूसरा कह रहा है कि वाटर ना काफ़ी सारे काम में भी इंपॉर्टेंट है, जैसे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है, एंजाइम्स ऑफ खाने, जब खाना स्टोर होता है तब एंजाइम्स जो काम करते हैं उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है, ताकि इससे एक ऐसा डिफ्यूजेबल फॉर्म बने, यानी एक ऐसा डिजॉल्व सब्सटेंस बने जो कि धीरे धीरे ग्रोइंग एम्ब्रियो क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो ये दो यूजेस हैं।
सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर आर अनसूटेबल फॉर जर्मिनेशन, यानी कि बिल्कुल ही कम है, बहुत ज़्यादा ही हो ना, एक सूटेबल टेम्परेचर सही है ना। अ वेरी लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज इट्स डेलिकेट टिश्यू। बता रहा है बेसिकली कि दोनों के क्या नुकसान है, अगर बहुत कम टेम्परेचर है बहुत कम तो उसका क्या नुकसान है, बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या नुकसान है। तो अगर अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उससे टिश्यूज जो डेलिकेट टिश्यूज जो होंगे प्लांट के बेसिकली वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्या कहते हैं सबसे कम टेम्परेचर है तो उससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इनहिबिटर मतलब रुक जाना, इनहिबिटर मतलब स्टॉप करना, स्टॉप। इनहिबिट्स मतलब स्टॉप। ठीक है, अ मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस यूजली फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का। बस सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स ऑफन नीड अ हायर टेम्परेचर, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों, उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है। अब वो बने ट्रॉपिकल रीजन में, अब वो गए ट्रॉपिकल रीजन में हो रहे हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन में तो पता कितनी गर्मी होती है, कितना टेम्परेचर होता है, तो उनका नेचर ही ऐसा हो गया कि उनको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, देन दोज ऑफ टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन थोड़ा ठंडा होता है तो वहाँ पर प्लांट्स को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो नेचर की बात कर दी कि ट्रॉपिकल वालों को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और टेम्परेट वालों को एज कम्पेयर टू देन कम चाहिए होता है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज अ रैपिड सेल डिवीजन, मतलब क्या, जब जर्मिनेशन होता है तो वहाँ पे बहुत तेज़ी सेल्स के डिवीजन होते रहते हैं, इन सेल ग्रोथ और सेल ग्रो भी करते हैं, फॉर विच एनर्जी दे चुका है जिसके, और इन सब कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कैसे अवेलेबल होगी, दिस एनर्जी इज अवेलेबल ओनली योर रेस्पिरेशन। ये एनर्जी तभी अवेलेबल होगी जब आप रेस्पायर करोगे, जब आप रेस्पायर करोगे, अगर रेस्पायर करोगे तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की नीड होगी, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की नीड होगी। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीड्स आर सोन वेरी डीप इन सॉइल फेल टू जर्मिनेट बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन। तो कह रहे हैं अगर आप किसी सीड्स को बहुत ज़्यादा नीचे सॉइल में सो करोगे तो उससे आपके प्लांट की जर्मिनेशन रुक सकता है, तो उससे क्या क्या रीज़न है, ज़्यादा नीचे डालोगे तो जो 3 चीज़ होती हैं उसमें से एक चीज़ होती है ऑक्सीजन, वो मिल ही नहीं पाएगी बेचारी को इतने नीचे जाकर, इतनी अगर आप उसको इतना नीचे सो कर दोगे तो कहाँ उसके पास ऑक्सीजन पहुँच पाएगी। दूसरा, इनसफिशियंट पुशिंग फोर्स इन द एम्ब्रियोनिक पार्ट्स टू ब्रेक थ्रू अपर लेयर ऑफ सोइल। और फिर थोड़ी अब सॉइल को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, मतलब प्लांट को भी थोड़ी रूट्स जो आएंगे छोटे छोटे उनको मेहनत करनी पड़ेगी सॉइल से बाहर आने में, तो कभी कभी वो इनएफिशियंट हो जाते हैं, कभी कभी इनसफिशियंट एफर्ट्स रह जाते हैं, कभी कभी वो इतने पावरफुल नहीं हो पाती हैं कि वो सॉइल की अलग अलग लेयरों को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन रीजन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन जर्मिनेशन, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी। अब ये बेसिक बता रहे हैं कि वाटर नेसेसरी, इसको प्रूव करवा रहे हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, आपको ये पता है ना ये सारी चीज़ें, थोड़ी जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं।
टेक टू बीकर्स एंड मार्क देम ए एंड बी। वो कह रहा है दो बीकर्स लो और उनको नाम, उनके नाम लिख दो ए एंड बी, ठीक है। ए बीकर ए, फिर बीकर ए में क्या करो, प्लेस सम सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम के कुछ उसके अंदर क्या करो, बीकर है ना, प्लेस सम सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम और चिकपी है ना, किसका बीड़ो, ऑन वेट कॉटन वूल, और वेट कॉटन वूल पर है ना, यानी एक वेट कॉटन वूल होती है उसके अंदर रखने, भी इसके लिए हाथ में नहीं लेने ना किसी पेपर में लेने हैं। फिर कह रहे हैं बीकर बी, इन बीकर बी प्लेस सम सिमिलर सीड्स ऑन ड्राई कॉटन वूल, फिर प्लेस सम सिमिलर सीड्स ऑन ड्राई कॉटन वूल, किसी 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 सीड पर, वो कह रहे हैं सॉरी, ये सेम सीड जो होती है, सेम सीड जो है एक ड्राई कॉटन वूल पर रखो, यानी कि दो चीजें कह रहा है वो, एक तो कह रहा है कि आप गीले कॉटन पर रखो और एक वो कह रहा है सूखे कॉटन पर रखो, ठीक है, कि बोथ दी बिकर्स इन ऑर्डिनरी रूम, दोनों बिकर्स के सिंपल रूम में रखो, सिंपल रूम में, या आप घर पे भी कर सकते हो सीड्स लाकर, कि बोथ दी बिकर्स इन ऑर्डिनरी रूम, इन अ डे और टू द बिकर द सीड्स इन बिकर ए विल जर्मिनेट बट नॉट इन बिकर बी। तो आप देखोगे कि बिकर ए के जो सीड्स हैं वो थोड़े बहुत जर्मिनेट हो चुके होंगे लेकिन बीकर बीके नहीं, तो इससे प्रूव होता है कि वाटर जरूरी है, वाटर जरूरी है। सर वाटर कहाँ से आ गया, पहले हीरा है ना, तो झीले के अंदर पानी ऑलरेडी था, ठीक है, उससे प्रूव होता है कि आपका वाटर जरूरी है। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सूटेबल टेम्परेचर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, टेक टू बीकर्स एंड एन एन बी, ठीक है, प्लेस सम ग्रीन ग्राम सीड्स ऑन वेट कॉटन वूल इन ईच ऑफ द टू बीकर्स, दोनों में झीले सामने रखना है, ठीक है, आगे तो पता चल गया, अगर झीला नहीं रखेंगे तो ग्रो नहीं होगा। फिर कह रहा है कि बीकर इन ऑर्डिनरी रूम, एक बीकर को एक सिंपल रूम में रखो और एक बीकर को रेफ्रिजरेटर में रखो, तब एक दिन में नोटिस करोगे क्या, ए जो है ना, कि बीकर ए जो है ना वो जर्मिनेट हो चुका होगा लेकिन बीकर बी नहीं हुआ होगा, ठीक है, और अगर हुआ होगा तो बहुत टाइम बाद हुआ होगा, तो इससे पता चलता है कि एक सूटेबल टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, एक सूटेबल एक टेम्परेचर का मतलब फर्क पड़ता है, ठीक है, एयर वाला। टेक लो कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल शेप वाले फ्लास्क लो, नेम दम ए एन बी, ठीक है, 6.3, ये रे कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, ना स्प्रेड वेट कॉटन वूल इन इस फ्लास्क एंड प्लेस ऑन टू इट सम सोक्ड ग्राम सीड्स, ठीक है, इसको क्या करो, थोड़ा वाइट कॉटन वूल के अंदर फैला दो, इन इस फ्लास्क एंड प्लेस ऑन टू इट सम सोक्ड ग्राम सीड्स, और इनके ऊपर क्या डालो, कुछ सूखे हुए कुछ भीगे हुए सारे ग्राम सीड्स डालो भीगे हुए, लोअर अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पायरोगैलिक एसिड विच एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, ठीक है, इन फ्लास्क बी बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेड टेकिंग केयर दैट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ केमिकल फॉल्स ऑन सीड्स और द कॉटन वूल, की द ट्यूब हैंगिंग बाय, तो कोई रहे उन्होंने बता दी, तो लोअर अ स्मॉल, लोअर अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब, लोअर अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब कौन सा लोअर है, लोअर अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्काइन पायरोगैलिक एसिड व्हिच एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन इन फ्लास्क, है ना, इन फ्लास्क बी बाय मींस ऑफ थ्रेड टेकिंग केयर दैट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ केमिकल फॉल्स ऑन द सीड्स ऑफ द कॉटन वूल। हाँ बेसिकली अगर है कि आप एक स्मॉल, आप छोटे छोटे स्मॉल टेस्ट ट्यूब में क्या करो, एक पायरोगैलिक नामक एक एसिड डालो, एसिड डालो, सर एसिड को क्यों डालो, क्योंकि एसिड का काम पता है क्या होता है, एसिड का काम होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, यानी कि जितनी भी ऑक्सीजन अगर आएगी उस फ्लास्क के अंदर तो अब ऑक्सीजन सीड से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अब उस ऑक्सीजन सीड से ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो सीड्स कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये एसिड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, यानी कि इस तो कह सकते फ्लास्क के भीतर जितनी भी सीड्स हैं उन तक ये ऑक्सीजन पहुंची नहीं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे छोड़ दो क्या लिखा हुआ, कीप द ट्यूब हैंगिंग बाय फिक्सिंग अ कॉर्क ऑन द माउथ, उसके ऊपर कॉर्क लगा दो, अरेंज फ्लास्क के इन द सेम वे, है ना, फ्लास्क एक को भी इसी सिमिलर वे में अरेंज करो, एक्सेप्ट द टेस्ट ट्यूब इन दैट फ्लास्क करने प्लेन वाटर, हाँ बस यहाँ पर एसिड मत डालना, सिंपल सा वाटर डालना, सिंपल वाटर ही यहाँ पर लटकाना, ठीक है,
प्लेस द टू फ्लास्क इन एन ऑर्डिनरी रूम, दोनों के ऑर्डिनरी रूम में। अब आप नोटिस करोगे सी जो फ्लास्क एक ही है वो थोड़े ग्रो होने लग जाएंगे, वो थोड़े ग्रो होने लग जाएंगे। क्यों? अब क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी बहुत भी आएगी तो वो ऑक्सीजन इन पर लगेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आएगी वो इधर जाएगी, तो ऑक्सीजन से फर्क पड़ा। तो इससे आप कह सकते हो कि फ्लास्क इन फ्लास्क भी फ्लास्क भी द सीट से डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। दिस शोज दैट इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन फॉर जर्मिनेशन, इससे पता चलता है कि जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है। ठीक है, एक ये कोई एक्सपेरिमेंट क्या है, द थ्री बीन सीट्स एक्सपेरिमेंट, बोलो तीनों फैक्टर्स का अलग अलग हो गया। अभी कोई थ्री बीन सीट्स एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। In this experiment, three mature clear red bean seeds are taken and tied to a glass slide at three positions as shown in figure. देखें जरा। अच्छा, एक, दो, अरे तीन, तीन सीड्स को अलग अलग पोजीशंस में लटका दिया गया है। ठीक है, मैं पोजीशन कैसी है, एक पूरा पानी में है, एक आधा पानी में है, एक बिल्कुल ही पानी में नहीं है। ठीक है, एक ग्लास स्लाइड से बांध दिया गया है। ठीक है, आप पोजीशन कैसे हमने पिक्चर में देख लिया टीचर फिगर में। दिस स्लाइड इज कैप्ट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर इन द मैनर दैट द टॉप सीड इज वेल अबव वाटर। इनको इस तरह से बीकर में रखा गया है, जो है ना, जो सबसे ऊपर वाला सीड है वो बिल्कुल पानी के ऊपर है, मिडिल वाला है वो वाटर लेवल पर है, और जो बॉटम वाला है वो कम्प्लीटली डूबा हुआ है वाटर के अंदर। द एक्सपेरिमेंट वाज सेट अप इन लेफ्ट इन अ वार्म प्लेस फॉर अ फ्यू डेज, एक गर्म एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पर ये इसको एडिटर्स रख देगा कुछ दिनों के लिए। उससे रिजल्ट क्या निकला, द मिडिल सीड जर्मिनेट्स, जो मिडिल वाला सीड था जो वाटर में भी था बाहर भी था, तो ये जर्मिनेट हो गया। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये आधा वाटर में था तो इसको वाटर मिला, आधा वाटर के बाहर तो इसको ऑक्सीजन भी मिला, ग्राउंड से इसको मिली। टॉप सीड जर्मिनेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको केवल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिली, इसको वाटर वाटर वाला क्यों नहीं जर्मिनेट, वाटर वाला क्यों नहीं जर्मिनेट हुआ, क्यों? सबसे ज़्यादा तो क्यों सबसे ज़्यादा तो वाटर मिला, ऑक्सीजन बहुत कम मिली। सर ऑक्सीजन तो मिली नहीं चाहिए, नहीं मिली, आप शायद भूल गए केमिस्ट्री। वाटर के अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी होती है, H2O फॉर्मूला होता है इसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो इसके थोड़ी ऑक्सीजन, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली पर ज़्यादा नहीं मिली। एक्सपेरिमेंट कंक्लूसिवली प्रूव्स दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, इससे पता चलता है कि वाटर जरूरी है बट अडल्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट फुली डेमोन्स्ट्रेटेड। हाँ, इस वाले से ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पाए, पर ये तो पता चल गया कि हाँ वाटर बहुत जरूरी है, ये अच्छा उन्होंने दिखाया था। मतलब चलो खत्म करते हैं लिस्ट इसको। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के क्या टाइप्स होते हैं, दो टाइप में बता रहे हैं, हाइपोजियल और एपिगियल, एपिगियल ही बोलेंगे, एपिगियल नहीं, जा बोलते हैं ना। हाँ, हाइपोजियल और एपिजियल, हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन, ठीक है, पढ़ते हैं क्या है। बोथ द एपिकोटल एंड हाइपोकोटल ऑफ अ सीड नेवर एलोंगेटेड टुगेदर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, कह रहे हैं चाहे एपिकोटल हो चाहे हाइपोकोटल हो किसी भी सीड का, ठीक है, तो एक साथ कभी बड़े नहीं होते, एलोंगेट मतलब कि एक साथ कभी उनकी हाइट नहीं बढ़ती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। इट इज आइदर द एपिकोटल, या तो एपिकोटल होगा या हाइपोकोटल होगा, जो जो लॉन्ग होता है जिसकी हाइट बढ़ती है, कोई एक ही होगा, दोनों में कोई एक ही होगा। अगर एपिकोटल एलोंगेट, अगर एपिकोटल की हाइट बढ़ती है तो कोटिलेडन्स रिमेन अंडरग्राउंड, तो कोटिलेडन्स जो है वो अंडरग्राउंड ही रहेंगे, यानी कि वो सीड के अंदर ही रहेंगे, ऑन द ग्राउंड ऑफ सीड जस्ट ऑन द ग्राउंड है ना, तो वो ग्राउंड के अंदर ही रहेंगे। एंड द जर्मिनेशन इज देन कॉल्ड हाइपोगियल, हाइपोजियल, हाइपोजियल अगर एपिकोटल एलोंगेट होता है तो से केस में जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइपोजियल, ठीक है। और अगर हाइपोकोटल अगर एलोंगेट होता है तो हम इसको बोलते हैं एपिजियल, तो हम क्या बोलते हैं एपिजियल, ठीक है। यानी कि एपिकोटल के केस में जो कोटिलेडन्स होते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं, लेकिन एलोंगेट और लेकिन हाइपोजियल वो होते हैं, हाइपोकोटल जब एलोंगेट होता है तो हमारे जो कोटिलेडन्स होते हैं वो थोड़ा ग्राउंड से ऊपर पुश किए जाते हैं, ठीक है।
इन दोनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पे कॉटल अंडरग्राउंड रहते हैं, यहाँ पर अब ग्राउंड रहते हैं, यहाँ पर एपिकोटल बढ़ता है, यहाँ पर हाइपोकोटल बढ़ता है। ये ज़्यादातर मोनिकोटिलडन सीड्स में होता है और ये डाइकोटेल में। ठीक है, याद हो जाएंगे तीन डिफरेंस हैं छोटे छोटे। अब मैथ टू ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। ओहो, आपको जर्मिनेशन की स्टेजेस समझनी है, उसका तरीका ही बताया गया। हाँ, तरीके तो उन्होंने बता दिए, उन्होंने आपको स्टेजेस तो बताया ही नहीं है। पुट स्टरलाइज्ड सैंड इन अ ग्लास वेसल। एक ग्लास वेसल में स्टरलाइज्ड सैंड लो। इन विच फिल्टर पेपर ऑर्डिनरी वाइट पेपर लैंड बिसाइड द इनर वॉल, जिसके साइड जहाँ पे लैंड करते हुए वाइट पेपर या फिर एक फिल्टर पेपर लगा हुआ। एंड प्लेस सीड्स इन बिटवीन द पेपर, और उसको पेपर के बीच में और ग्लास के बीच में सीड्स को रख दो। फिर क्या देखो, व्हेन वाटर एडेड टू द सैंड, जब आप सैंड में वाटर डालोगे, ठीक है, इन द वेसल बॉटल के अंदर, एक सीड्स विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड जर्मिनेट इन टू डेज, और वो थोड़े टाइम में जर्मिनेट हो जाएंगे। चलो मैं बताया क्या बताना अच्छा है, बेकार पैराग्राफ है, ज़्यादा ध्यान में देना, बताना है कैसा, कुछ पता ही नहीं चला। जर्मिनेशन इन सम कॉमन सीड्स, जर्मिनेशन सम कॉमन पी सीड्स, कुछ कॉमन सीड्स की कुछ बात कर रहे हैं जी। पी सीड, पी की बात कर रहे हैं जो हाइपोजियल होता है। द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स कंसिडरेबली, जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसको स्वेल कर लेता है बहुत ज़्यादा, है ना, कंसिडरेबली तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, सफिशेंट क्वान्टिटी मतलब। बिकॉज टेस्ट होता है वो सॉफ्ट होता जाता है एंड बस्ट, और फिर फट भी जाता है इतने ज़्यादा पानी से। द रेडिकल एमर्जेस, रूट सिस्टम एमर्ज होने लगता है, ग्रो डाउनवर्ड्स, पहले नीचे की तरफ जाता है एंड फ्रॉम द रूट सिस्टम नीचे की तरफ जा जाकर वो रूट सिस्टम बनाता है। द प्लूमूल ग्रोज अपवर्ड्स, प्लूमूल ऊपर की तरफ ग्रो होता है एंड फ्रॉम द शूट ऑफ द सीडलिंग, और जो शूट बनाता है उसकी छोटी सी बनाता है सीडलिंग की, है ना। इन द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द प्लूमूल इज आर्क्ड एंड दस प्रोटेक्ट्स द यंग शूट फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग द एमर्जेंस फ्रॉम द सॉइल। वो कह रहा है अर्लियर स्टेज में जो प्लूमर होता है वो बेसिकली यंग शूट को प्रोटेक्ट करता है ताकि ये सॉइल से क्या ना हो जाए, इंजर ना हो जाए। द कॉटिलडन सप्लाई फूड टिल द सीडलिंग इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कॉटिलडन सीडलिंग को तब तक खाना देते हैं तब तक जब तक ये खुद इंडिपेंडेंटली अपना ध्यान रखने के लायक नहीं हो जाता। लेटर दे विदर, बाद में अगर सूख जाएंगे तो बाद में सूख जाते हैं एंड सीरिबल अप और सीरिबल हो जाते हैं। द कॉटिलडन्स रिमेन अंडरग्राउंड, ये लेकिन इसके अंदर अंडरग्राउंड ही रहेंगे। इससे क्यों अंडरग्राउंड रहेंगे, ये क्यों अंडरग्राउंड रहेंगे, क्योंकि क्या हाइपोजियल है, ठीक है, एंड जर्मिनेशन हाइपोजियल, इसको हाइपोजियल ही बोलेंगे। हाइपो मतलब बिलो, और जियल बनाए जियो से, जियो मतलब ग्राउंड, जोग्राफी पढ़ा ना, जियोग्राफिक, जियोग्राफिक जिसको बोल सब बोल सकते, जोग्राफी तो जोग्राफी मतलब अर्थ के बारे में पढ़ रहे हो वहाँ पर, ठीक है। ये स्टेज इसके लिए यहाँ पे दिखाएंगे आपको स्टेज के, सीड डाला, रेडिकल रूट सिस्टम बनाया, फिर टेस्टा, फिर कमल, फिर रूट सिस्टम पूरा, फिर स्टेम वगैरह लीव्स वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ें। अब बीन सीड का एग्जाम्पल ले रहे हैं एपीजेल का। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स, ठीक है, यहाँ पर भी बीन जो होते हैं वर्क के एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेल करते हैं। द रेडिकल ग्रोथ डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द रूट सिस्टम सेम है। द आर्क्ड हाइपोकोटिल ग्रोथ फॉर्मिंग आर्क लूप अबव द सॉइल एंड इट देन एक्सटेंडेंस ऑफ एक्सटेंडेंस ब्रिंगिंग द कॉटिलडन्स अबव द सॉइल। यानी वो हाइपोकोटिल इस केस में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है कि जितने भी कॉटिलडन्स है वो सॉइल से ऊपर आ सके, और जब वो सॉइल से ऊपर से अगर सॉइल के ऊपर आ सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपीजियल बोलेंगे, ठीक है, एपी मतलब अब होता है, ठीक है। द कॉटिलडन्स बिकम्स द फर्स्ट ग्रीन लीफ, कॉटिलडन्स बिकम्स द फर्स्ट ग्रीन लीफ एंड सून फॉल ऑफ आफ्टर द फॉइलेज ऑफ आफ्टर द फॉइलेज लीव्स ग्रो फॉलियज, है ना, फॉलियज वो कह रहा है बेसिकली। दो सेकंड, वो कह रहा है कॉटिलडन्स पहले फर्स्ट ग्रीन लीव्स बनते हैं, फर्स्ट ग्रीन लीव्स बनते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं बहुत जल्दी, फॉल हो जाते हैं जल्दी, क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं आफ्टर फॉलियज, आफ्टर फॉलियज। अब फॉलेज को मैं आपसे कह सकता हूँ फॉलेज मतलब पत्ते, आफ्टर क्या पत्ते, जब लीव्स ग्रो होती हैं तो
तो पहली जो स्टार्टिंग वाली जो ग्रीन लीव्स होती है ना, जब बाग की पत्तियां जब बनती हैं, जब बाग की पत्तियां बनती हैं तो पहले वाली पत्तियां क्या हो जाती हैं, फॉल ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, मेज ग्रेन का भी एग्जाम्पल दे रहा है सबको, है ना। वो द ग्रेन बैग्स वाटर एंड सोइल्स कंसिडरेबली द रेडिकल पियर्सेस द प्रोटेक्टिव रूट सीथ एंड द फ्रूट वॉल एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द रूट सिस्टम बट इट डाइज ऑफ सून रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टोन स्टेम। क्या कह रहा है इसके लिए, जो ग्रेन होता है वो वाटर को इम्बाइब करता है। क्या कह रहा है, इम्बाइब, इम्बाइब मतलब पता क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया, बिल्कुल भी आइडिया नहीं, तो लिख लो फिर। एब्जॉर्ब का छोटा भाई है, एब्जॉर्ब का सोडियम है। ठीक है, यानी ये भी क्या करता है, बढ़ के एब्जॉर्ब करता है, उसको स्वेल करता है। रेडिकल पियर्सिस थ्रू प्रोटेक्टिव रूट, अब पियर्स का मतलब पता है, लिखते जाओ फिर। एंटर करना, ठीक है, और कोई वर्ड यहाँ पे जो मेरे को समझाना नहीं, और तो बाकी सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एंटर है ना, तो फिर कहता है जो रेडिकल होता है यानी जिससे रूट सिस्टम फॉर्म होता है, वो बेसिकली वो रेडिकल एंटर करता है प्रोटेक्टिव रूट के थ्रू, प्रोटेक्टिव रूट के थ्रू जो कि इसका कोलियोरिजा होता है, जो हमने कल पढ़ा भी था, है ना। फ्रूट वॉल एंड द फ्रूट वॉल एंड द फ्रूट वॉल, है ना, वो प्रोटेक्टिव रूट से होते हुए फ्रूट वॉल से होते हुए एंटर करता है रेडिकल बेसिकली। और जब एंटर करता है फिर वो क्या करता है, नीचे का अपना रूट सिस्टम बनाता है, बड़े रूट सिस्टम बहुत जल्दी डाई हो जाता है। फिर न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, फिर स्टेम के नीचे से नए रूट्स बनने लगती हैं। तो आपको याद रखना है द प्लूमूल पियर्सिस थ्रू इट्स प्रोटेक्टिव सीथ कॉलियोप्टेर एंड ग्रोज स्ट्रेट अपवर्ड्स। फिर जो प्लूमूल होते हैं बेसिकली वो भी एंटर करते हैं प्रोटेक्टिव सीथ जिसको कॉलियोप्टेर बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। द टू प्रोटेक्टिव सीथ कोलोरिजा एंड कोलियोप्टेरा मे बी सीन एज अ मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑन द एक्सिस ऑफ सीडलिंग, है ना। आपको इसको इस तरह से भी दिखाई दे सकता है कि ये कवर कर रहे हैं बेसिकली। कॉटिलडन एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म टिल द इट इट इज एग्जॉस्टेड। कॉटिलडन तब तक फूड को एब्जॉर्ब करेंगे एंडोस्पर्म से जब तक ये भर ना जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। द हाइपोकॉटिल डज नॉट एलोंगेट, हाइपोकॉटिल इस केस में बड़ा नहीं होता ज़्यादा, और इसलिए जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइपोजियल बोलते हैं। विविपेरस जर्मिनेशन, मैनग्रोव प्लांट्स लाइक कुछ मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं जैसे रिजोफोरा, पता नहीं कौन सा प्लांट होता है, सोनेरिसिया, पता नहीं कौन सा होता है, ये शो करते हैं स्पेशल मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन। इसका तो स्पेशल तरीका होता है जर्मिनेट होने का, इसको विविपेरी बोलते हैं, इसको विविपेरी बोलते हैं। इन विच इसके अंदर क्या होता है, सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फूड, जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है वेल इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, और अपने पेरेंट प्लांट से अटैच होता है, ठीक है, टूटा भी नहीं होता है। आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट ड्रॉप द सीडलिंग टू द सॉइल, जर्मिनेशन के बाद जो प्लांट होता है वो इसको क्या करे, ड्रॉप करता है सीडलिंग को एक सॉइल में, इसे डेवलप द रूट, है ना, जिससे फिर ये अपने आप क्या करता है, रूट डेवलप करता है, फिक्स इट सेल्फ, अपने आप को फिक्स कर लेता है, सारा काम अपने आप ही हो जाता है। सीडलिंग बेसिकली बार बार इतना बार वर्ड आ रहा था, सीडलिंग सीडलिंग सीडलिंग, तो सीडलिंग बता रहे हैं। जर्मिनेशन एनी प्लांट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, वो कह रहे हैं जर्मिनेशन किसी प्लांट में जब एंड होता है ना, यानी जर्मिनेशन की जो लास्ट चीज होती है तब होता है कि सीडलिंग स्टार्ट हो जाए, सीडलिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो सीडलिंग क्या है, तो सीडलिंग बोला सीडलिंग स्टेज है, सीडलिंग है एक स्टेज है इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ की एक स्टेज है, फ्रॉम द सीड फ्रॉम अ सीड बिफोर इट हैज बिकम होली इंडिपेंडेंट ऑफ द फूड स्टोर इन इट। ठीक है, सीड की ग्रो होने की स्टेज है, कौन सी स्टेज है, जो पहले आती है उसके फुल्ली इंडिपेंडेंट होने से, फुल्ली इंडिपेंडेंट होने से यानी फुल्ली ग्रो होने से पहले जो एक स्टेज होती है उसको बोलते हैं सीडलिंग। द रूट्स ऑफ द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर, जो रूट्स होती है सीडलिंग स्टेज पर प्लांट की, वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और मिनरल्स को भी करती हैं एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। द लीव्स स्टार्ट टू मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर द यंग प्लांट, जो लीव्स होती हैं वो यंग प्लांट्स के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। विच कीप्स ग्रोइंग, जो ग्रो होना कंटिन्यू रखते हैं एंड बिकम्स अ मैच्योर प्लांट, और एक मैच्योर प्लांट बन जाती है एंड प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड सीड्स इन टर्न, और वो फ्लावर्स और सीड्स इसके बदले में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती जाती हैं। प्रोग्रेस है, होमवर्क है आपका, ठीक है, ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।
बाकी सारा आपको होमवर्क है, ट्राई करना ठीक है, और ढूंढना नहीं मिले तो बताना।